हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हमारे पास ये मैकेनिक्स बैटल स्टेशन 2, ये एक बहुत ही अच्छा टॉय है बच्चों के लिए। इस टॉय के साथ आपको एक हाई पावर मोटर मिलती है और ये 8 साल के बच्चों के लिए है। इससे आप 5 मॉडल बना सकते हैं। इसके साथ आपको 118 पीस मिलते हैं और ये बहुत ही अच्छा एजुकेशनल टॉय है बच्चों के लिए। और इस टॉय के द्वारा बच्चों के अंदर नॉलेज, डेक्सटेरिटी, क्रिएटिविटी और रीजनिंग स्किल्स डेवलप होते हैं। इसके साथ खेल के साथ साथ बहुत कुछ सीखेंगे। पर ये ध्यान रखिए, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये प्लस 8 एज के लिए है। और ये इजीली आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर मिल जाता है। आप इसको वहाँ से खरीद सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस पर आप देख सकते हैं, इसमें यह मेंशन है इंजीनियरिंग सिस्टम फॉर क्रिएटिव स्किल्स। और इसके साथ आप ये 5 मॉडल बना सकते हैं। जो बच्चे जो अपने आप से कुछ बनाकर क्रिएटिव करना पसंद करते हैं, ये उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से ओपन कर लेते हैं अपने मैकेनिक्स बैटल स्टेशन 2 को। और वाओ, ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें ये हमें सबसे पहले एक मैनुअल मिलता है। इस तरह से सब कुछ इसके साथ दिया हुआ है। आपको सारी इसमें फिटिंग करने के लिए स्टेप्स कुछ दे रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। पूरे इस सामान के साथ 5 मॉडल बना सकते हैं। एक इस तरह का मॉडल बना सकते हैं आप, ये मॉडल भी बना सकते हैं, ये मॉडल बना सकते हैं और ये मॉडल बना सकते हैं। सबसे फर्स्ट मॉडल आप इसके इसका इसमें ये बना हुआ है। तो बाकी के 4 मॉडल आप इससे ये बना सकते हैं। और इसके अदर जो मॉडल्स आते हैं वो ये हैं। कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इसके और मॉडल्स की वीडियोज़ देखना है, तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। टोटल आपके आपको इसके अंदर यहाँ पर आपको सारे पीस के बारे में बताया हुआ, किस तरह के कितने पीस इसके अंदर हैं। बाकी का सारा सामान आपको इसके अंदर ही मिलता है। स्क्रू ड्राइवर वगैरह, सारे नट रोल्स, सब कुछ एक किट के अंदर है। इसको बनाने से पहले आप इस मैनुअल गाइड को अच्छे से पढ़ लें, इसे आसानी से इसको देखकर बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, इसके साथ इस किट में हमें ये मिलता है, एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है हमें, ये स्पैनर है, ये सिंगल टरेट है, ये डबल टरेट है, ये है इसके व्हील्स विद बेल्ट, और इसके अंदर ये हमें बैटरी मिलती है और ये इसकी मोटर है। इस तरह के अगर और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए हम इसको ओपन करते हैं। इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी है। ये कुछ इस तरह से इसका सामान है। सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से इसमें पेस्ट किया है टेप के साथ। हम इसको निकाल लेते हैं, ये इसकी चेसिस है। हमने सारे सामान को बाहर निकाल लिया है, जिससे कि बनाने में आसानी होगी। तो मैनुअल के हिसाब से हम अपना स्टेप वन स्टार्ट कर रहे हैं। और नट और बोल्ट्स की मदद से अपनी चेसिस पर हमने इसको टाइट कर दिया है। तो अब स्पैनर की हेल्प से हम अपने नट बोल्ट को और अच्छे से टाइट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अब हम अपना ये सिंगल मोटर ब्रैकेट को लेकर इसके साथ अटैच कर देंगे। और यहाँ पर हमने ब्रैकेट को नट और बोल्ट के साथ अटैच कर दिया। और अब हम स्पैनर लेके इसको और अच्छे से टाइट कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। हमने अपनी चेसिस के साथ इन सबको अटैच कर दिया है।
और अब हम बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। और इस तरह से ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने अपने सब पीस को इन नट्स बोल्ट के साथ अटैच कर दिया है। तो चलिए अब हम अपना थर्ड स्टेप भी कंप्लीट कर लेते हैं। और अब हम अपने सिंगल टरेट को लेकर नट बोल्ट की हेल्प से इसके साथ अटैच कर देते हैं। और यहाँ पर हमने सिंगल टरेट को इसके साथ फिट कर दिया है। और अब हम स्पैनर की हेल्प से इसको और अच्छे से टाइट कर देंगे। और ये हमने अपना थर्ड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है। और मैनुअल को देखकर नट बोल्ट के साथ हमने इन सब चीज़ों को अटैच कर दिया है। और अब बारी है फोर्थ स्टेप की। और फोर्थ स्टेप में हम इन दोनों पीस को लेकर नट बोल्ट की हेल्प से एक साथ जोड़ देंगे। और वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। और यादें जो हमने सेकेंड और थर्ड स्टेप कंप्लीट किए थे उन्हीं दोनों पीस को जोड़कर हमने ये अपना फोर्थ स्टेप कंप्लीट किया है। और ये देख लीजिए हमने स्पैनर की हेल्प से नट और बोल्ट को अच्छे से टाइट कर लिया है। और इस तरह से ये हमारा पीस तैयार हो गया है। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप में हमने ये दो पीस भी इसके साथ और जोड़ दिए हैं। और इसके बाद ये कुछ इस तरह से बनके तैयार हो गया है। आप इस ट्राई को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए इसको बनाने में और खेलने में आपको बहुत मजा आएगा। और अब बारी है स्टेप नंबर 6 की। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने दो तीन छोटी असेंबली को जोड़कर एक बड़ी असेंबली बना दी है। और आप स्टेप नंबर 6 को देखकर समझ सकते हैं कि कैसे हम असेंबली को जोड़ रहे हैं। और यहाँ पर दो स्पेसर हैं रेड कलर के और ये एक बोल्ट है जो कि 42 mm का है और एक काले रंग का स्पेसर है। और अब हमने सारे स्पेसर को लेकर दोनों असेंबली को स्क्रू कर दिया है। और अब बारी है हमारे नेक्स्ट स्टेप की। और इसमें हमने ये हमारी मोटर भी फिक्स कर दी है। और ये जो मोटर है वो बैटरी ऑपरेटेड है और मोटर भी ये काफ़ी अच्छे से चलती है। और ये हमने वायर क्लिप की हेल्प से इस वायर को यहाँ पर फिक्स कर दिया है। आप ये देख सकते हैं ये पूरी तरफ से यहाँ पर फिक्स हो गई है। और अब हमने स्पेसर को यूज करते हुए दोनों व्हील्स को आगे की तरफ असेंबल कर दिया है। अब हम अपने टैंक को फाइनल टच देने वाले हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं जो कि हमारा 8th स्टेप है उसके अकॉर्डिंग हमने रॉड को पिछली असेंबली में सेट कर दिया है और हमने व्हील्स भी माउंट कर दिए हैं। और अब हमने फ्रंट और बैक दोनों तरफ के व्हील्स भी माउंट कर दिए हैं। और दोनों तरफ के व्हील्स माउंट करने के बाद हमारा आर्मी टैंकर रेडी है अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए। और अब हमने इसके अंदर ये बैटरी भी लगा दी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें अपने व्हील्स के ऊपर इस रबर ट्रैक को फिट करना होगा। बैटरी को स्क्रू करते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें कि बैटरी को आपको बहुत ज़्यादा टाइट स्क्रू नहीं करना है, नहीं तो आपके जो व्हील्स हैं वो जाम हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने अपने व्हील्स के ऊपर इस रबर ट्रैक को अच्छे से फिट कर दिया है। और इसको चेक भी कर लेते हैं। और अब हमने इसमें दो सेल लगा दिए हैं और सेल लगाने के बाद हम इसको बंद कर देते हैं। और हमने अपने टैंक को पूरी तरह से बना लिया है। और अब इसको जल्दी से चला के देखते हैं कि कैसा कमाल करता है हमारा ये टैंक। यहाँ इसके पीछे इसका ऑन ऑफ का बटन है।
तो बनाइए, सीखिए, खेलिए इस टॉय के साथ। और आपको ये टॉय कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।